हेलो दोस्तों, मैं सीए राहुल गुप्ता वेलकम करता हूँ आप सबको अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कल बजट 2023 प्रेजेंट हुआ, फाइनेंस एक्ट 2023। ये अभी पहले राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा में पास होगा, उसके बाद प्रेसिडेंट साहब के साइन होंगे, तब ये अपने लोगों के ऊपर एप्लीकेबल होगा। पहला क्वेश्चन जो कल बजट पास हुआ है, ये सर कौन सी इनकम के लिए एप्लीकेबल होगा? दोस्तों, ये उस इनकम के लिए एप्लीकेबल होगा जो अप्रैल 2023 से मार्च 2024 यानी कि अगले साल के जो आपकी इनकम्स होगी उसके ऊपर ये बजट एप्लीकेबल होगा। उसमें जो इनकम टैक्स के रेट होंगे वो कल बजट में डिसाइड किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, सर बहुत कंफ्यूजन है, आप तो 7 लाख रुपए की इनकम निल बोल दिया उन्होंने, कोई टैक्स नहीं बनेगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। इसी चीज को मैं आपके सामने क्लियर करने के लिए यहां प्रस्तुत हूं। देखिए, अपने पास एक बचपन से टैक्स स्ट्रक्चर चल रहा है जो ओल्डेस्ट टैक्स स्ट्रक्चर है, पहले से ही हम इस स्लैब स्ट्रक्चर को जानते हैं। 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं था जी, 2.5 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख से 10 लाख 20%, 10 लाख से ऊपर 30%। कितने लोगों को अभी भी लगता है कि गवर्नमेंट ने 5 लाख तक निल टैक्स कर दिया है? वो निल टैक्स किया जरूर था, लेकिन रिबेट के थ्रू किया था। रिबेट ऑफ 12,500 विल बी एप्लीकेबल अंडर सेक्शन 87A टिल 5 लाख इनकम, यानी कि आपकी इनकम अगर 7 लाख होती, इस स्लैब स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं मैं, ये ओल्डेस्ट है, ये आज भी चल रहा है, अगर 7 लाख होती तो इनकम टैक्स 2.5 लाख से ऊपर कैलकुलेट होता। अगर उनको 7 लाख तक स्लैब के ऊपर, 5 लाख तक स्लैब के ऊपर कोई टैक्स नहीं रखना था, तो वो यहां पे 5 लाख जीरो करते। इन्होंने ऐसा कभी भी नहीं किया, इन्होंने हमेशा रिबेट 87A को बढ़ाया है। ठीक है जी, अब तक रिबेट 87A ओल्ड स्ट्रक्चर और न्यू स्ट्रक्चर दोनों के लिए एप्लीकेबल थी। एक पॉइंट और मैं यहां पर बताना चाहूंगा, जब हमारी इनकम एक लिमिट से ज्यादा हो जाती है तो सरचार्ज लगता है। अब 50 लाख से 1 करोड़ तक 10% सरचार्ज है, 1 करोड़ से 2 करोड़ 15%, 2 करोड़ से 5 करोड़ 25%, एक्सीडिंग 5 करोड़ 37%। ये 37% के सरचार्ज को भी कल बजट में कम किया गया है, लेकिन वो सिर्फ न्यू स्कीम्स के लिए किया गया है, ओल्ड टैक्स रिजीम के लिए वो अनचेंज्ड है। ये चीज प्लीज नोट करें, अगर आप ओल्ड स्ट्रक्चर में हैं तो, यानी कि अगर आप कोई एक बड़ा इनकम ग्रुप उठा रहे हो तो वो मैंडेटरली नई स्कीम में शिफ्ट होगा ही होगा, उसका टैक्स ज्यादा बचेगा ही बचेगा नई स्कीम में। ठीक है जी, अब हम इसके एग्जाम्पल भी लेंगे। ये नई स्कीम आई थी गवर्नमेंट की फाइनेंशियल ईयर 21-22 और फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए, जो अभी फाइनेंशियल ईयर 22-23 कंप्लीट होने वाला है 31 मार्च को। ये स्कीम इस बजट में गवर्नमेंट ने हटा दी है कि भैया फाइनेंशियल ईयर ये 22-23 के लिए तो एप्लीकेबल है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए गवर्नमेंट ने कहा भैया ये बहुत ज्यादा हो रहे थे स्लैब्स, हम कुछ स्लैब्स कम कर देते हैं। ठीक है जी, तो आइए दोस्तों आगे देखते हैं गवर्नमेंट ने इसमें क्या चेंज किया। अब फाइनेंशियल ईयर 23-24 में गवर्नमेंट ने क्या चेंज किया दोस्तों, 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं होगा, 2.5 लाख वाले स्लैब को देखो अब चेंज किया है, तो यानी कि अब 3 लाख तक मैं बोल सकता हूं हाँ नए स्लैब में 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। 3 लाख से 6 लाख 5%, 6 से 9 10%, 9 से 12 15%, 12 से 15 20%, अबव 15 लाख 30%। लेकिन अगर आपकी इनकम 6,99,000 रुपये तक है तो ये वाला स्लैब भी आपके ऊपर नहीं लगेगा, मतलब जीरो टैक्स हो जाएगा। 7 लाख रुपए तक की अगर आपकी इनकम है तो आपको सिर्फ न्यू रिजीम में टैक्स जीरो होगा, ओल्ड रिजीम में आपको टैक्स लगेगा। अब सर, ये ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम में मेन डिफरेंस क्या है, क्यों आज भी हम ओल्ड रिजीम में ही इनकम टैक्स की रिटर्न भर रहे हैं जबकि नई रिजीम में हमें लग रहा है कि टैक्स कम बनता है? सर, ओल्ड रिजीम के अंदर आपको सारे बेनिफिट्स मिलते थे, HRA, स्टैंडर्ड डिडक्शन और आपका ATC, ATD, मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह सब डिडक्शंस आपको ओल्ड स्कीम में मिलती थी। गवर्नमेंट अब नई स्कीम की तरफ शिफ्ट करना चाह रही है आप सब लोगों को, और गवर्नमेंट ये चाहती है कि आप धीरे धीरे करके सब लोग नई रिजीम में आ जाओ। हो सकता है गवर्नमेंट अगले 1 साल 2 साल के बाद ओल्ड रिजीम को खत्म ही कर दे, तो गवर्नमेंट ये चाहती है आप एक्सपेंडिचर बेस्ड आ जाए, आप भी खर्चा करें, सेविंग बेस्ड ना रहें। सेकेंडली, स्टैंडर्ड डिडक्शन अभी तक ओल्ड रिजीम में दी गई थी 50,000 रुपए की, न्यू रिजीम के अंदर गवर्नमेंट ने इन 2 सालों में कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं दी, ना कोई HRA दिया, ना कोई ATC की डिडक्शन दी। लेकिन इस बजट में गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने कहा भैया स्टैंडर्ड डिडक्शन हम न्यू रिजीम में भी दे देंगे, तो नई रिजीम के अंदर भी अब आपको 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी। सेकेंडली, जो सरचार्ज का रेट है 5 करोड़ से ऊपर, वो 37% से 25% गवर्नमेंट ने कर दिया है, मतलब अगर आप नई रिजीम में हो तो 2 करोड़ से ऊपर आपका सेम सरचार्ज का रेट रहेगा।
ठीक है दोस्तों, अब सर हमें समझ ही नहीं आ रहा हम ओल्ड रिजिम में रहें या न्यू रिजिम में रहें। देखो दोस्तों, अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ आप लोगों के साथ, आपकी इनकम कुछ पर्टिकुलर अमाउंट मान के। अब हम ओल्ड स्लैब रेट से चलते हैं। सपोज आपकी इनकम 8 लाख है, 50,000 की सैलरी डिडक्शन मिल गई 7.5 लाख रुपये। 7.5 लाख में से ओल्ड रिजिम है क्योंकि तो मुझे ATC की डिडक्शंस मिल जाएंगी। 1.5 लाख की ATC हो गई, 6 लाख की मेरी नेट इनकम हो गई। 6 लाख माइनस 5 लाख, 1 लाख के ऊपर 20% लगेगा और शुरू की 5 लाख, 2.5 लाख से 5 लाख 5%, 12,500। 32,500 का टैक्स, 4% सेस 1,300, टोटल टैक्स पेबल 33,800। ठीक है दोस्तों, ये हो गया टोटल टैक्स 33,800। अब हम आ जाते हैं जो कल बजट में अनाउंस हुई है बिल्कुल नई स्कीम, उसमें एक 8 लाख की इनकम का क्या टैक्स बनेगा। पहली बात तो इस बार उस बेचारे को सैलरी डिडक्शन मिल जाएगी जो पिछली बार तक नहीं मिलती थी, यानी कि अप्रैल 23 के बाद आपको नई रिजीम में भी सैलरी डिडक्शन मिलेगी। 7.5 लाख, 50,000 सैलरी डिडक्शन इज अलाउड इन दिस बजट इन न्यू रिजीम। ATC डिडक्शन सपोज 1.5 लाख ही मान के चलते हैं। इनकम ऑफ ऑल हेड 7.5 लाख, ATC की डिडक्शन का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। मैंने HRA कंसिडर नहीं किया है, आप HRA कंसिडर कर सकते हैं। न्यू रिजीम में HRA नहीं मिलेगा, ओल्ड रिजीम में ही HRA मिलेगा। टोटल इनकम 7.5 लाख। अब 7.5 लाख पे टैक्स कैलकुलेशंस करता हूं मैं तो 31,200 का मेरा टैक्स बनता है और ओल्ड रिजिम में 33,800 का बन रहा था। तो इवेंचुअली दोस्तों आपको इस टाइम पे न्यू रिजिम में जाने में बेनिफिट रहेगा अगर आपका ये इनकम ग्रुप है तो, और आपकी और कोई डिडक्शंस नहीं है तो। HRA, ATD, EV गाड़ी की ई डिडक्शन, बहुत सारी डिडक्शंस हैं दोस्तों, ATG डोनेशंस हैं पॉलिटिकल पार्टीज को या मंदिर को, गौशाला को, बहुत सारी डिडक्शंस हैं जो आप ओल्ड स्कीम में लेते थे। आपको क्या करना है, आपको अपनी सारी डिडक्शंस कैलकुलेट करनी है, एक पेज पे लिखनी है मेरी ये डिडक्शंस हैं, फिर अपनी इनकम में से उन डिडक्शंस को माइनस करना है और देखना है कि क्या मैं ओल्ड स्कीम में बेनिफिट है या न्यू स्कीम में बेनिफिट है। अब दोस्तों गवर्नमेंट ने एक और चीज बोली कल बजट में, निर्मला सीतारमन जी ने, उन्होंने ये बोला कि हम बाय डिफॉल्ट सबको ये मान के चलेंगे कि आप न्यू रिजीम में ही हैं। अगर अब इसका कोई फॉर्म दोस्तों आ सकता है, आएगा ही आएगा बल्कि मुझे लग रहा है, जिसके अंदर गवर्नमेंट आपसे ये डिक्लेयर कराएगी कि आप ओल्ड रिजीम में कंटिन्यू रहना चाहते हो। सर ये ओल्ड रिजीम में कंटिन्यू रहने के लिए फॉर्म क्यों भरवाना चाहते हैं? सर गवर्नमेंट एक डाटाबेस बनाना चाह रही है कि हमें पता चल जाए कितने बंदे अभी भी ATC की डिडक्शंस वगैरह लेना चाह रहे हैं और ओल्ड रिजीम में अभी भी फॉल करना चाह रहे हैं। एक सैलरीड क्लास बंदा अगर एक बार ओल्ड रिजीम से न्यू रिजीम में चला भी गया तो वो वापस ओल्ड रिजीम में जा सकता है। बिजनेस क्लास बंदा अगर एक बार ओल्ड रिजीम से न्यू रिजीम में चला गया तो वो वापस ओल्ड रिजीम में नहीं आ सकता। प्लीज ये चीज नोट करें, बिजनेसमैन आदमी को ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि भाई मुझे क्या सेविंग्स रखनी है फ्यूचर में या मैं उस पर काटा मार के अपना न्यू रिजीम में आ जाऊं। ऑल्दो न्यू रिजीम इज लुकिंग वेरी गुड राइट नाउ, लेकिन ये सर्कमस्टांसिस और केस टू केस डिफर करेगा किसको ओल्ड रिजीम बेटर रहेगी, किसको न्यू रिजीम बेटर रहेगी। तो आपने कभी भी किसी से भी क्वेश्चन पूछना है, अपने CA से क्वेश्चन पूछना है, अपने कंसल्टेंट से क्वेश्चन पूछना है, तो अपनी डिडक्शंस की लिस्ट बना के देके पूछना है कि सर मुझे नई स्कीम में बेनिफिट रहेगा या ओल्ड स्कीम में बेनिफिट रहेगा। आप YouTube पे हमारे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट भी डालिए, हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आपकी इनकम स्लैब के अकॉर्डिंग और आपकी डिडक्शंस के अकॉर्डिंग बता पाए कि आपका किस स्कीम में बेनिफिट रहेगा। और अगर आपको ओल्ड रिजीम में बेनिफिट लगता है तो एक फॉर्म आएगा, आपको इनकम टैक्स की साइट पे फिल करना पड़ेगा कि मैं ओल्ड रिजीम में कंटिन्यू रहना चाहता हूँ या रहना चाहती हूँ, ठीक है जी। अदरवाइज गवर्नमेंट आपको बाय डिफॉल्ट न्यू स्कीम में डाल देगी, ठीक है जी। थैंक यू दोस्तों, आप ऐसे ही हमारे चैनल के साथ बने रहिए और हम ऐसे ही आपके लिए इनकम टैक्स और GST से रिलेटेड कंटेंट लाते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।